गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। देखिए बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री में, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर में हमने वेरियस टॉपिक्स जो है क्लियर किए, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में जाना हमने, और आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है हमारा द डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू होता क्या है? देखिए, ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है जो कि साउथ में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो टू माउंटेन रेंजेस के बीच में है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाय द विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। अब देखिए, डेक्कन प्लेट्यू ये जो है ये सेपरेट होता है, यानी कि अलग होता है। कहाँ से अलग होता है? नॉर्दर्न इंडिया से। किसके द्वारा अलग होता है? ये विंध्या रेंज है और सतपुड़ा रेंज, इनके द्वारा जो डेक्कन प्लेट्यू है ये नॉर्थ में अलग होता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर लैंड मास होता है डेक्कन प्लेट्यू, ध्यान रखना आप इसके बारे में। हेंस देयर हैड बीन इनवेरिएबल लेस थ्रेट फ्रॉम द इन्वेडर्स इन दिस एरिया। इसीलिए ये जो जगह है यहाँ पर हमेशा से ही इनवेरिएबल, मतलब सदा या फिर हमेशा से ही ऐसा जगह रहती है ये, जहाँ पर कि जो है थ्रेट, यानी कि जो डर होता है किसका, जो इन्वेटर्स होते हैं यानी कि जो आक्रमणकारी होते हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर आक्रमण किया जाता है उसका डर हमेशा कम रहता है इस जगह पर, ठीक है। एंड मैनी पावरफुल रीजनल किंगडम लाइक द चोलाज एंड द चेराज एंड द रास्कुटाज फ्लरिस्ड हियर। और यही सबसे बड़ा एक कारण है, एक शक्तिशाली जहाँ पर जो है राज्य बने हैं, और ये जो शक्तिशाली राज्य हैं उनके एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, चोलाज, चेराज और राष्ट्रकूटाज। ये वो राज्य हैं जो कि इस क्षेत्र में इनका विकास हुआ है, ये विकसित हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, द ओशन एंड द सीज। देखिए, महासागर और जो हमारा समुद्र है। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड्स, द इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब देखिए, ये पेनिनसुला जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? पेनिनसुला एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो कि वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो, यानी कि पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। तो इंडिया जो है एक ऐसा पेनिनसुला है, एक ऐसा ऐसी जगह है जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरी हुई हो, यानी कि जो ऐसा कॉर्नर जो कि वाटर बॉडीज से, यानी कि पानी से जो है तीनों ओर से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो तीन साइड से घिरा हुआ है। इंडियन ओशियन अगर साउथ में देखा जाए तो इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, और जो अरेबियन सी है वेस्ट में, ये अरेबियन सी के द्वारा घिरा हुआ है, और बे ऑफ बंगाल जो है इसका जो ईस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल के द्वारा घिरा हुआ है। आप मैप देख सकते हैं, पेज नंबर 3 आप ओपन कर लीजिए और उसमें आप मैप देख लीजिए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ये तीन तरफ से आपका ये जो एरिया है ये घिरा हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं अरेबियन सी, ठीक है, और ये हो गया आपका इंडियन ओशन, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये तीन ओर से ये पोर्शन जो इंडिया का घिरा हुआ है, ओके। चलिए इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट हेल्प्ड इट टू डेवलप मैनी पोर्ट्स
ऑफ इंटरनेशनल फेम। अब देखिए, इसकी हमने जो वेस्टर्न कोस्ट हैं और जो ईस्टर्न कोस्ट हैं, ठीक है, तो इससे जो पोर्ट्स हैं यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, तो उससे व्यापार करने में भी आसानी हुई है और जो इंटरनेशनल जो पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने में भी यहाँ पर मदद मिली है, ठीक है। यानी कि जो इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट हैं वहाँ पर इंटरनेशनल पोर्ट भी जो है डेवलप किए गए हैं, ठीक है। मैनी रीजनल डायनेस्टीज इस्टेब्लिश्ड प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल एम्पायर्स इन दिस एरिया। कई सारी यहाँ पर जो है डायनेस्टीज़, यहाँ पर जो है राज्यों का निर्माण हुआ था, कई सारे समृद्धशाली और ताकतवर एम्पायर थे जो कि इस एरिया में उस समय विकसित हुए थे। ड्यू टू थ्राइविंग ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एज वेल एज बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी। अब देखिए, ये जो पोर्ट्स जो बनाए गए थे वहाँ पर, वो किस उद्देश्य से बनाए गए थे? वहाँ पर जो है ट्रेड और बिजनेस यानी कि व्यापार के उद्देश्य से, और अपने जो रिलेशन हैं दूसरे देशों के साथ उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, और अपनी एक जो नेवी होती है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग नेवी को भी उन्होंने जो है बिल्डअप किया, एक शक्तिशाली नेवी को भी बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब देखिए, हिस्ट्री के जो स्रोत हैं, सोर्सेज, और उनका जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया जाता है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हिस्ट्री है क्या होता है, हिस्ट्री जो है जो हम पास्ट का जो अध्ययन किया जाता है उसे हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी कुछ पास्ट में बीत चुका है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम किस प्रकार अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी नीड सम सोर्सेज टू स्टडी इट। वास्तव में हमें कुछ ऐसे सोर्सेज, कुछ ऐसे स्रोतों की आवश्यकता होती है जिनका हम अध्ययन कर सकें और पता लगा सकें कि ये किस समय का रहा होगा। दीज सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेजर डिविजन्स, नेमली आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। अब देखिए, ये स्रोत जो होते हैं सोर्सेज, इनको दो प्रकार से जो वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो हम इसको आर्कियोलॉजिकल कैटेगरी में बांट सकते हैं, दूसरा हम लिटरेरी में बांट सकते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल कैटेगरी क्या होती है और लिटरेरी कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल कैटेगरी में आ जाते हैं जो भी कुछ खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण जो भी सामग्री हमें हासिल होती है उसके आधार पर हम किसी भी पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं उसके बारे में। और लिटरेरी सोर्स होता है जो लिखा हुआ मटेरियल होता है जिसके बारे में, जैसे डेट्स हैं या किस डेट में कौन सा इवेंट हुआ था, तो ये लिटरेरी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एंड फॉर हिस्ट्री वी नीड टू स्टडी द रिटन सोर्सेज सच एज मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो हमें जो जानकारी जो मिलती है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर मिलती है, यानी कि जो भी खुदाई के दौरान हमें जो भी स्रोत मिलते हैं उसके आधार पर हमें, हम उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हमें जो रिटन मटेरियल जो हमें उपलब्ध होते हैं, जो लिखित सामग्री होती है, उसके आधार पर हम जो है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी में, ठीक है। तो लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं, रिटन जो सोर्सेज होते हैं, उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। और ये रिटन सोर्सेज आपके इंस्क्रिप्शंस में, कॉइन्स में और सील्स में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट एंड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड क्रॉनिकल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस। अब देखिए, अगर इतिहासकारों के लिए अगर बात की जाए तो जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी
ऐतिहासिक इमारतें होती हैं। तो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, जो विदेशी नागरिक जो आते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत हो सकता है। किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखित हमें मिल जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातत्वी जो स्रोत हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।